तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। बच्चों की लाशों के बीच माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को खोजते रहे। कल इनके जिन मासूम बच्चों को पिकनिक की एक्साइटमेंट थी, आज उन्हीं बच्चों में से 12 मासूम बच्चों और 2 टीचर्स की झील में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गुजरात के वडोदरा के हरड़ी में हुआ, जहां घर से बच्चे खुशी खुशी पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो फिर कभी घर लौट कर नहीं आ पाएंगे। उनके परिजनों को क्या पता था कि वो अपने बच्चे का खिलखिलाता चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। दरअसल गुरुवार के दिन न्यू सनराइज स्कूल के 23 छात्रों को हरणी में पिकनिक पर ले जाया गया था, जिनके साथ 4 शिक्षक भी थे। पिकनिक स्पॉट पर बच्चों को झील में घुमाने के लिए भी ले जाया गया। झील के बीच पहुंचते ही बच्चों से भरी नाव अचानक से ही डगमगाने लगी और इसी दौरान ये पूरा हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि एक नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को लाइफ जैकेट पहनाई गई थी और कुछ को बिना जैकेट के ही नाव में सवार कर दिया गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ बच्चों और टीचर्स को वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन 12 बच्चों और 2 टीचर्स की झील में डूबने की वजह से मौत हो गई। इस हादसे को लेकर पीएम ने भी शोक व्यक्त किया है। लोकल 18 के लिए गुजरात से निधि दवे की रिपोर्ट।